tyrosine, acidity in peritoneum. And carboxylic, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है, कौन है और क्यों है? तो याद है, सबसे ज्यादा पहले मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देता हूँ. एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे है कि सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है. फिर फिनोल है, तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा है. यह ट्रैक्टर इसके रीजंस क्या है? एक रीजन इंप्रूवमेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा यूज है. आपको शायद एक कॉन्सेप्ट आता हो, फर्स्ट ईयर में एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा होगा, कंजुगेट कंजुगेट बेस. रीजन में यही टर्म आ रही है, कंजुगेट बेस. देखते हैं जी, द एसिडिक स्ट्रेंथ depend upon stability of their conjugate base. Stability of their conjugate base. Stability of their conjugate base. अल्कोहल के केस में जो कंजुगेट एसिड है, इन केस ऑफ अल्कोहल कंजुगेट बेसेस एल्कोक्साइड आयन. अल्कोहल के केस में कंजुगेट बेस का नाम एल्कोक्साइड आयन है. रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं, तो अल्कोहल वाटर यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट करता है और अल्कोहल यहाँ पर एसिड के तौर पर एक्ट करता है. एसिड की निशानी ये होती है कि प्रोटॉन देता है, अल्कोहल प्रोटॉन देता है. बेस की निशानी ये होती है कि उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. तो बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वाटर इज बेस, तो H2O की जगह पे H3O पॉजिटिव हो जाता है. और अल्कोहल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो O नेगेटिव हो जाता है. इलेक्ट्रॉन को अगर आप दोबारा देखें, ये तो लॉन पेयर है, ये तो लॉन पेयर है. इन लॉन पेयर को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इस आयन को बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन. अब ये हो सकता है कि हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन दे, जब ये हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन देगा तो ये एसिड हो जाएगा. तो इसको कहेंगे कंजुगेट एसिड. क्या कहेंगे जी? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड. एल्कोक्साइड आयन इस दिए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, तो इस एल्कोक्साइड आयन को कहेंगे बेस, क्योंकि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस. अब ये एल्कोक्साइड आयन बना है एक एसिड से, बना है एक एसिड से, उसे कहेंगे कंजुगेट एसिड.
कंजुगेट फेस। तो ये कंजुगेट फेस की जो स्टेबिलिटी है ये अल्कोहल के एसिड अल्कोहल के एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन करेगी कंपैरिजन में। अभी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें तो ये बात ज्यादा क्लियर होगी। अगले पेज पर चलते हैं। फिनोल का देखें जी, इन केस ऑफ फिनोल इन केस ऑफ कंजुगेट वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, वही काम हुआ। ये फिनोल ने यहाँ पर एसिड के तौर पर काम किया, वाटर ने यहाँ पर बेस के तौर पर काम किया। फिनोल ने अपना ये वाला प्रोटॉन यूज किया, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन आयन बना। फिनोल से क्लीन ऑक्साइड आता, ये लोन पेयर वैसे ही, और ये वाला जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर गया तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिनोक्साइड आयन करते हैं ये यहाँ पर। देखो ये प्रोटॉन दे सकता है, जो प्रोटॉन दे सकता है उसे क्या कहते हैं एसिड। ये चूंकि ऐसा एसिड है जो बना है एक बेस से, ये ऐसा एसिड जो बना है एक बेस से, कहेंगे कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। फिनोक्साइड आयन इस दिए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो फिनोक्साइड आयन यहाँ पर कंजुगेट बेस, क्योंकि फिनोक्साइड आयन बना है एक एसिड से फिनोल से, फिनोक्साइड आयन इज ए कंजुगेट बेस। अब यहाँ पर आपको फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखिए, एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है जबकि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये चीज भी हम डिस्कस करते हैं। फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या मतलब, क्या करने जा रहे हैं फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम भी कहते हैं, जैसे ये फिनोक्साइड आयन का। पीछे करके ड्रा कर लेते हैं, अच्छा ड्रा हो जाएगा। This is phenoxide ion. This is oxygen atom. ये इस पे negative charge. This oxygen atom पे जो negative charge है, इसके delocalization को अब discuss करेंगे। Delocalization का मतलब होता है आवारागर्दी, घूमते रहना। Delocalization का मतलब होता है कैसे move करना। Delocalization का मतलब होता है भाई साहब move करना। फिनोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइजेशन शो करता है। तो नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम का नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम फिनोक्साइड आयन डीलोकलाइज। डीलोकलाइज्ड का मतलब घटता, डीलोकलाइज्ड और डीपोलराइज्ड
स्टेबल बना देता है। देखो स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है, रिएक्टिविटी का कम, स्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब यह है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ध्यान ध्यान जो फोकस, स्टेबिलिटी का मतलब है रिएक्टिविटी का कम। अब रिएक्टिविटी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो, रिएक्टिविटी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो। ऑक्साइड आयन में ये वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आवारा गति करते हैं, घूमते घूमते पूरे रिंग में घूमना शुरू कर देते हैं। पूरे रिंग में घूमने की वजह से जो आने वाला होता है, जो उनके साथ रिएक्शन करना चाहता है, उसके साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी जगह पर टिक कर नहीं बैठते। अपनी जगह पर टिक कर नहीं बैठते तो आने वाले रिएक्टेंट को ये लेते नहीं है, रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो हम कहते हैं भी टिन ऑक्साइड आयन इज स्टेबल, मतलब लेस रिएक्टिव, दैट इज लेस रिएक्टिव। स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को डीलोकलाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहला स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से। इस पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, जब ये यहाँ पर मूव करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में डबल हेडेड एरो से शो करता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि इस ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर आपको एक चार्ज मिल जाता है। तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड अपनी जगह पर रखते हैं। अगले स्टेप में जो होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है, ये पहले ही बॉन्ड था जिसके ऊपर जो लॉन्ग गैप थे वो पहले ही थे, और यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन चार्ज मिल जाता है। फिर अगले स्टेप में ऐसा भी होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर शिफ्ट होता है। जब ये यहाँ पर शिफ्ट होता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और एक फिर हमें एक नया स्ट्रक्चर मिल जाता है कि अपनी जगह पर ये डबल बॉन्ड हो, ये अपनी जगह पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। अगले स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, इस वाले बॉन्ड वापस अपनी जगह पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर और हमको एक स्ट्रक्चर आ गया। बिल्कुल रेडियो स्ट्रक्चर आ गया, इसी केस को कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज की में डीलोकलाइजेशन की। अब जो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है, इसकी वजह से फिनोल ऑक्साइड आयन स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब जब इसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो ये स्टेबल होता है। ये चीज अल्कोहल, ये चीज फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। तो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को आसानी से निकलना देता है। जबकि इसको आसानी से निकलना देता है कहते हैं कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है फिनोल की जो कंजुगेट बेस है, फिनोल की जो कंजुगेट बेस है फिनोक्साइड आयन,
उसकी स्टेबिलिटी पर. फिनोक्साइड आयन क्यों स्टेबल है? फिनोक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने यहाँ पर देख रखा है. इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइजेशन शो करता है. ये डीलोकलाइजेशन कैसे शो करता है? ऐसे शो डीलोकलाइजेशन, नो डीलोकलाइजेशन, नो डीलोकलाइजेशन, क्योंकि
बल्क ऑक्साइड आयन में डेलोकलाइजेशन नहीं होती, बल्क ऑक्साइड आयन जो कंजुगेट बेस है वो उतनी स्टेबल नहीं है जितनी पेरोक्साइड आयन की, जितनी कार्बोक्सिलेट आयन की है। तो याद रहे जिस भी कंजुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो उतनी, जिसकी कंजुगेट बेस उतनी ज्यादा स्टेबल होती है वो उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। इसकी कार्बोकेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कंजुगेट बेस है